किसी वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई, सो हम कंटिन्यू करेंगे। म्यांमार, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, जिसके अंदर हम जावा टेम्पल भी पढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बर्मा, बर्मा में आता है म्यांमार की कला, म्यांमार में बनाई गई दृश्य कला को संबंधित करती है। 1400 के दशक से कलाकार बर्मी संस्कृति को दर्शाते हुए पेंटिंग और मूर्तियाँ बनाते रहे। बर्मी कला मुद्रा, जातक कथा, शिवालय और बोधिसत्व साहित्य बौद्ध तत्वों को दर्शाती है। इसका है मुद्रा है क्योटा, राजधानी है नेपिड्यू। थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक, मुद्रा थाई बात। थाई कला मुख्य रूप से बौद्ध कला और भारतीय महाकाव्य के दृश्य से बनी है। पारंपरिक थाई मूर्ति कला लगभग विशेष रूप से बुद्ध की छवियों को दर्शाती है। थाई कला सोम और खमेर की स्वदेशी सभ्यता से प्रभावित है। उस टाइम पे सोम और खमेर साम्राज्य था, जिसका इन्फ्लुएंस हम देखते हैं, जिनका ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हम देख कर पता लगा सकते हैं। अगर आपको पता होता है तो आप बता सकते हो कि ये खमेर इन्फ्लुएंस है और सोम इन्फ्लुएंस है। हम ज़्यादातर फ्लेम उसमें देखने को मिलते हैं, तीत फ्लेम चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और सुख इसके अंदर हम आते हैं सुखोथाई, जैसे मैंने पहले बताया था थाई आर्ट आएगा, सुखोथाई आएगा। सुखोथाई और अयोध्या अवधि थाई अपनी अनूठी शैली में विकसित हुआ। दोनों पीरियड के अनुसार अपना अपना डेवलपमेंट कर रही थी और नई नई चीज़ों का विकास हो रहा था। तो अन्य ऐसी शैलियों में प्रभावित हुई ज़्यादा श्रीलंकाई चीनी थाई मूर्तिकला और पेंटिंग, और शाही दरबारों ने संरक्षण मंदिरों, अन्य धार्मिक मंदिरों को योग्यताओं के कार्य के रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं बनाने के लिए प्रदान किया। तो हम जितने भी अब टेम्पल्स देखेंगे और सब देखेंगे, हम वो साथ बुद्धा से रिलेटेड है। बुद्धा एक ऐसा धर्म है जो इतना स्प्रेड हुआ है कि वो हम कहीं भी देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे हमें बुद्धा के स्कल्पचर, बुद्धा की कथा, बुद्धा की जातक कथा हमें देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस। साउथ ईस्ट एशिया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं चाहूँगी आप मेरे साथ पढ़ें। एंड कोई भी प्रॉब्लम या कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।